वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स वीडियो नंबर 33। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम वीडियो नंबर 33 पर आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहले पार्ट में आपको मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, वर्कर क्या होते हैं और कुछ हायर्ड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के बारे में बताया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इंडिया में वर्क फोर्स कैसा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्क जो जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसमें से बात करें तो 70% मेल है और 30% फीमेल्स है। ठीक, और अगर हम बात करें तो लगभग 70% वर्कफोर्स रूरल एरियाज में आता है और 30% वर्कफोर्स आपका अर्बन एरिया में आता है। और फीमेल वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो लगभग अर्बन एरियाज में 20% और रूरल एरियाज में 30%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा हुआ जिसके हिसाब से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि फीमेल वर्कफोर्स रूरल एरियाज में ज्यादा है जबकि अर्बन एरियाज में कम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, वाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारा वर्कफोर्स रूरल बेस्ड क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। ये जो ऊपर मैंने आपसे डेटा डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको बताया कि लगभग 40 करोड़ की वर्क फोर्स है, ठीक है, 70% आपका मेल है, 30% फीमेल है, अर्बन में आपका लगभग रूरल 70% है, 30% अर्बन है। इसके बाद ये जो डेटा डिस्कशन के बाद दो क्वेश्चन सामने आ रहा है कि व्हाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड और दूसरा क्या, व्हाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। ठीक, तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। ठीक, तो सिंपली बात बताते हैं। ठीक है, हमको क्या लग रहा है कि रूरल एरियाज में वर्कफोर्स ज्यादा है तो जीडीपी वहां से ज्यादा आनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। लोग ज्यादा एम्प्लॉयड तो हैं रूरल एरियाज में बट जीडीपी रूरल एरिया से कम आती है, यानी कि मोर ऑफ पीपुल गिविंग लेस ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो क्योंकि गांव में अगर बात किया जाए तो लोग या तो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जिसकी अर्निंग कम होती है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं व्हाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर आबादी गांव में ही रहती है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। तो पहले नंबर पे अगर बात किया जाए, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई इंप्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स। पहले बात कि फीमेल वर्कर्स की क्यों कम है, उसका रीजन पहला है कि फीमेल एजुकेशन कम है, ठीक है, जिसकी वजह से शहरों में जॉब कम होते हैं फीमेल्स के लिए। ठीक है, दूसरी बात, शहरों में कुछ फैमिलीज फीमेल्स को अलाउ भी नहीं करते हैं कि वो काम करें। ठीक है, जैसे कुछ होता है ना, कुछ रसूख वाले लोग होते हैं जो फीमेल को घर से निकलने नहीं देते हैं, कहते हैं कि सारा फैमिली का डिसीजन सेंटर से लिया जाता है कि बिल्कुल निकलने नहीं देंगे काम करने के लिए, इसलिए भी कम है। नेक्स्ट है हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वीमेन इन रूरल एरियाज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। अच्छा, गांव में गरीबी भी ज्यादा है, गांव में गरीबी होने की वजह से एक आदमी के इनकम से घर का खर्चा नहीं चलता है, इसलिए गांव की औरतें भी काम करती हैं। तो ये तीन कारण की वजह से आपका रूरल एरियाज में वीमेन ज्यादा काम कर रही है इन कम्पेरिजन टू दी अर्बन एरियाज। ठीक है, तो ये था हमारा आज ये वीडियो का पहला पार्ट। अब आते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, इट रिफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ वर्क फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि ये जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया है, ये हमें बताता है कितने लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं कुल पॉपुलेशन में से। यानी कि मान लो 100 लोग हमारा पॉपुलेशन है और 30 लोग काम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये बताएगा कि 30% पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक, और इसको फिर आप डिवाइड कर सकते हैं रूरल बेस्ड, अर्बन बेस्ड, मेल बेस्ड, फीमेल बेस्ड। ठीक है, वो अपने तरीके से
आप अलग अलग रेट ऑफ पार्टिसिपेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जानने के बाद हम फाइव पॉइंट को डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द अर्बन एरिया इज अबाउट 43.5% इन 2015-16, यानी कि कुल देश भर में, ठीक है, अर्बन एरिया की बात किया जाए तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ 43.5% है इन 2015-16 में। ठीक है, यानी कि लगभग जो कुल टोटल लोग काम करते हैं उसमें शहर के लोग सिर्फ 43.5% है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि सबसे ज्यादा लोग अभी भी गांव से ही काम करने वाले हैं। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द रूरल एरिया इज अबाउट 53% इन 2015-16। देखो, अगर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रूरल एरियाज की बात करें तो कुल काम करने वालों में से सबसे ज्यादा काम करने वाले गांव से ही हैं, और वो कितने परसेंट हैं? 53% हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये कितना है, 53% है। नेक्स्ट है, इन अर्बन एरियाज रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज अबाउट 69% फॉर मेन एंड 16.2% फॉर विमेन, यानी कि अर्बन एरियाज में अगर हम बात करें तो ज्यादातर काम मेन कर रहे हैं, कितने परसेंट, 69%, और फीमेल के लिए सिर्फ काम कितना बच रहा है, 16.2%। ठीक, रूरल एरिया की बात करो तो रूरल एरिया में लगभग 73% मेन और 26.7% विमेन काम कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो पूरी कंट्री का ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट लगभग 50.3 है, यानी कि कुल पॉपुलेशन का लगभग 50% लोग काम कर रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस डाटा के अनुसार हम कुछ ऑब्जर्वेशन में पहुंचते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अब देखो, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन का सिर्फ 50.3% लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बाकी का 50% की खर्चे कहां से चलेंगे, वो बाकी के 50% का खर्चा चलाएंगे। मतलब अगर सिर्फ 50% लोग काम कर रहे हैं तो बाकी 50% लोग उन पर डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी रेशियो हमारी कितनी हो गई, 50%, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। देखो, अगर बात करते हैं गांव की तो गांव में हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, ठीक है, बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने की वजह से आउटपुट कम आता है। ठीक है, तो जीडीपी गांव, रूरल बेस्ड जीडीपी बहुत कम है, अर्बन बेस्ड जीडीपी ज्यादा है, क्योंकि अर्बन में प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, रूरल में प्रोडक्टिविटी कम होता है। रूरल एरियाज में काम उतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं, जबकि अर्बन एरियाज में काम ज्यादा अच्छे से होते हैं, मशीन से काम होता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। अब देखो, रूरल एरियाज में वुमेन ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, अर्बन एरियाज में कम, ऐसा क्यों? उसके बेसिकली तीन रीजन है। पहला, रूरल एरियाज में पॉवर्टी इतनी ज्यादा होती है कि फीमेल्स मजबूरन काम करने लगती हैं। ठीक है, दूसरा कि रूरल एरियाज में बेसिकली क्या होता है, फीमेल्स पॉवर्टी कम होने की वजह से, उनके अगर बात करें घर में जो उनके हस्बैंड, उनकी इनकम कम होती है तो फीमेल्स को काम करके पैसे लाना पड़ते हैं। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से ये एक पूरा सर्कल बन जाता है कि पहली जनरेशन ने जैसा किया वैसे पढ़ाई, पैसे कम आने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए तो काम खराब मिला तो फिर अगली जनरेशन में नहीं पढ़ाई कर पाई, तो ये पूरा सर्कल बन जाता है जिसकी वजह से रूरल एरियाज में फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दी अर्बन एरियाज। ठीक, तो इस, ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतना डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के अगले पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक, आज के वीडियो में कुछ खास विशेष समझाया नहीं गया आपको, बस डेटा बहुत ज्यादा है, चूंकि एक्चुअली चैप्टर में ही डेटा बहुत ज्यादा है जिससे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत बनेंगे चैप्टर से, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, तो मेरे साथ बोलो, जय हिंद।